ओम शांति। आज की तारीख है 22/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि हमें सत्य ज्ञान देकर हमारी आत्मा की ऊंची कमाई कराते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे जितना समय मिले सच्ची कमाई करो, चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों में ज्ञान की परिकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, जिनमें ज्ञान की परिकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता भी समाप्त हो जाएंगी और अवस्था एक रस हो जाएगी और मैनर्स सुधरते जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? उत्तर है, कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा, बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विकर्म हो रहा हो। बाप का फरमान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। गीत बजा है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रसता तकता था। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना, बाप और वर्षे को याद करना है। नंबर दो, एक बाप से ही सुनना, बाकी जो पढ़ा है वो सब भूल जाना। Hear no evil, see no evil, talk no evil। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, बाप की छत्र छाया के नीचे रह माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाबा कहते हैं कि माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना। सब फिक्र बाप को दे दिया, जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया को आवाहन करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो, याद ही छत्र छाया है। स्लोगन है, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।